नमस्कार। ऋतु वसंत सुहाए, खेत में सरसों फूले, रही धरा हर्षाय भ्रमर फूलों पर झूले। मौसम है मदमस्त, मौसम है मदमस्त किए श्रृंगार निराले। बिछी पीली माँ चहू और मानो पीताम्बर डाले। वसंत आते ही मानो प्रकृति को नवगात, नव पल्लव, नव कुसुम और नव सुगंध का उपहार मिल जाता है। प्रकृति का कण कण खिल उठता है। तो ऐसे में जब पूरा वातावरण ही वासंती रंग में रंगा है, तो हम भी क्यों ना वसंत के बारे में ही बात करें और साथ ही संस्कृत भी सीखें। शुरू करते हैं अपने पहले वाक्य से। माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्याम ऋतुराज वसंतः समारभते। माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्याम ऋतुराज वसंतः समारभते। पूरे साल में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है वसंत ऋतु को, इसीलिए इसे कहते हैं ऋतुराज वसंत। अब है हमारा दूसरा वाक्य। अयमेव दिवसः वसंत पंचमी निगद्यते। अयमेव दिवसः वसंत पंचमी निगद्यते। निगद्यते अर्थात कहा जाता है। इसी अर्थ में उच्यते, कथ्यते, इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। अब है हमारा तीसरा वाक्य। विद्यारंभाय शुभे अस्मिन् दिने देवी सरस्वती पूज्यते। विद्यारंभाय शुभे अस्मिन् दिने देवी सरस्वती पूज्यते। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, इसीलिए स्कूलों में इस दिन विशेष रूप से सरस्वती पूजन किया जाता है। अब है हमारा चौथा वाक्य। साहित्य संगीत कला नाम अधिष्ठात्री अस्ति सरस्वती। साहित्य संगीत कला नाम अधिष्ठात्री अस्ति सरस्वती। अधिष्ठात्री शब्द में अधि उपसर्ग है और स्था धातु है। इसी प्रकार से अधिष्ठान, प्रतिष्ठान, अधिष्ठाता इत्यादि शब्द भी बनाए जाते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। अब है हमारा पांचवा वाक्य। शीत समाप्ति संसूचिका मन्यते वसंत पंचमी। शीत समाप्ति संसूचिका मन्यते वसंत पंचमी। संसूचिका का अर्थ है सूचना देने वाली। इस वाक्य में मन्यते क्रियापद है जो कि वाक्य के बीच में आया है। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है, क्रिया चाहे बाद में लिखे या बीच में, अर्थ वही रहता है। अन्य किसी भी भाषा में ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आज के हमारे वाक्यों से आपने जाना कि विद्यारंभ के लिए वसंत पंचमी को शुभ माना जाता है, तो आज से आप भी लग जाइए संस्कृत सीखने के अपने प्रयास में दुगने उत्साह से, और इसके लिए जुड़े रहिए वार्तावली से। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमोस्तु, शुभम भवतु।